कैसे हैं आप लोग गाइस। बड़ा दुख होता है ये जान के कि जिस इंडस्ट्री का मैं एक टाइम पे छोटा सा ही सही लेकिन हिस्सा रहा हूँ, कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा फील होता है कि अच्छा हुआ सही टाइम पे निकल आए। मतलब क्या ही बोल दूँ यार, मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। इट्स नथिंग अगेंस्ट इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलने वाला, बट मैं उनके लिए बोलने वाला हूँ जो आर्टिस्ट हैं। हमेशा की तरह मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा आज, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। तनीषा शर्मा, वन ऑफ द वेरी गुड आर्टिस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, मरियम बेगम, शायद मेरा ये आखिरी शो होगा अलीबाबा, बिकॉज आई एम क्वाइट फैसिनेटेड विद द शो अलीबाबा 40 चोर। स्टोरी से मैं बहुत फैसिनेटेड था, मैंने देखा ये शो, मतलब आई यूज टू वॉच इट एंड मैं थोड़ा फैसिनेटेड था स्टोरी से, एंड मैं देखता हूँ थोड़ा कभी कभी जब मौका लगे देख लेता था। पर अचानक कल एक खबर आती है कि तनीषा शर्मा हैज हैंग्ड हरसेल्फ, शी हैज कमिटेड अ सुसाइड, एंड दैट टू ऑन अ सेट। मतलब वो और खतरनाक खबर थी। अब आप एक बात बताओ, हम कहते हैं कि एक इंसान है, एक एक्टर है जिसे काम नहीं मिल रहा, जिसके पास चलो एक काम करते हैं यार। मैं मतलब कुछ इमोशनल बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को एक जेन्युइन बात बताने वाला हूँ। एक आर्टिस्ट है जिसे काम नहीं मिल रहा, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ के अंदर, हम कहेंगे कि चलो उसने कुछ किया, ठीक है, जिसके पास इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं है उसने कुछ किया, मुझे समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास काम भी है, शी हैज़ डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क। इन्होंने दबंग 3 भी करी थी, तब से लेके अब तक ये इन्होंने बहुत काम करा है, मतलब टेलीविजन पे इन्होंने बहुत काम करा है। अच्छा खासा लॉग है तनीषा शर्मा का, अगर मैं आपके सामने ही डालूंगा, ये देखो मैं गूगल पे डाल रहा हूँ दैट यहाँ पे, अगर आप पहले इनका हम टीवी शोज चेक कर लेते हैं, मतलब इंटरनेट वाला लव, उसके बाद अलीबाबा, दास्तान काबुल, ओके, हीरो, गायब मोड ऑन, मतलब आप ये लगा लो लगभग लगभग, ये देखो एक शो आया था 1998 से 2015 तक, भंवर, उसमें भी इन्होंने काम किया है, चाहे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया हो। इश्क में मर जावां 2017 से लेके 19 तक काम किया है, 18 से 19 तक सिलसिला बदलते रिश्तों का, ये इसमें भी काम करा है, 2016 में गब्बर पूंछ वाला से भी काम करा है, और जारा निकाह इसमें भी इन्होंने काम करा है, शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी इसमें भी इन्होंने काम करा है, चक्रवर्तन अशोक सम्राट इसमें भी इन्होंने काम करा है, जो सिद्धार्थ निगम वाला शो था। तो मतलब इन्होंने काफ़ी सारे शोज करे, और मूवीज़ की मैं अगर बात करूँ तो मूवीज़ की फहरिस्त भी अच्छी है इनकी। इन्होंने एक मूवी करी थी क्रेना, अच्छी खासी मूवी चली थी, इसके बारे में सुना था, बार बार देखो करके एक मूवी थी वो भी करी, कहानी दुर्गा रानी कहानी 2 इन्होंने वो भी करी, उसके बाद फितूर मूवी आई थी वो भी करी, देन इन्होंने दबंग 3 भी करी। मतलब इतना बड़ा लॉग होने के बाद और अभी भी ये सेट पर थी और काम कर रही थी और लीड रोल में थी। हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, काम नहीं मिलता, धक्के खाने पड़ते हैं, वो सच्ची बातें हैं, होता है। लेकिन अब हम इनके बारे में आज क्या खबर सुन रहे हैं, इनके बारे में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, देखो अगर मैं सिंपली लिखता हूँ गूगल पे तो इट लुक्स लाइक तनीषा शर्मा सुसाइड। तनीषा शर्मा को था प्यार पर अटूट विश्वास, कलाई पर गुदवाई थी ये, मतलब टैटू, अब उनके टैटूज के ऊपर भी डिस्कशन होगा। तनीषा शर्मा की मौत सुसाइड या मर्डर, बॉयफ्रेंड शिजान मोहम्मद खान पुलिस की हिरासत में। मतलब ठीक है, जो भी है वो मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा किसने क्या किया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो उसमें मैं नहीं बोलना चाहता। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ दिमाग पे पड़े हुए स्ट्रेस लेवल की। और अगर आप बात करो यहाँ पे तनीषा शर्मा जी की, एबीपी की खबर में आ रहा है, शिजान को शिजान के साथ था अफेयर, 5 दिन पहले दोनों में लड़ाई हुई इसलिए वो परेशान थी, सुसाइड कर लिया।
मतलब कुछ भी। और हाँ एक खबर तो मतलब अलग ही लेवल पे पीक कर रही है कि तुनिशा शर्मा वॉज नॉट प्रेग्नेंट। भाई ये बातें आती कहाँ से हैं, ये न्यूज़ वाले कहाँ से मसाला ढूंढ लेते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ ये बात जेन्यून है कि तनुषा के मदर ने कंप्लेंट फाइल करी है, FIR फाइल करी है कि शी वॉज बीन अबेटेड टू सुसाइड बाय हर को स्टार होम शी वॉज इन रिलेशनशिप विद कॉल्ड रिलेशनशिप विद शिजान खान, जिन्होंने ये हरकत करी मतलब उनके अकॉर्डिंग। तो मतलब ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है ये। देखो ऐसी खबरें, मतलब ये क्या है, शी वॉज इन प्रेगनेंट डाइड ऑफ सफोकेशन ड्यू टू हैंगिंग। यार आप ठीक है ये एक्चुअली हो गया, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम ना हमेशा बोल देंगे कि आर्टिस्ट के बारे में हम एक चीज़ बड़े क्लियरली बोल देते हैं कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है। इंडस्ट्री में जिसको काम मिल रहा है ना, उसकी ज़िंदगी में भी 10,000 तरह के स्ट्रेस होते हैं। पर्सनल लाइफ अलग रखने का स्ट्रेस, ठीक है, उसके बाद फैमिली मैनेज करके चलने का स्ट्रेस। दिन में आपकी 12 घंटे से कम की कोई शिफ्ट नहीं है, किसी एक्टर की शिफ्ट 12 घंटे से कम की नहीं है। एक्टिंग के दौरान आपको बॉडी में काम करना है, फिट होना है, सब होना है। ड्यूरिंग दैट फिटनेस रिजीम यू हैव टू बी इन स्ट्रेस अल्टीमेटली कि हाँ मुझे ये बॉडी अचीव करनी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस का जो फंडा है ना, ये बहुत अलग लेवल पे है। और अब आप लोग बोलोगे तू क्या ज्ञान पेल रहा है, सीधी सी बात बात वो भी सही है। मैं यहाँ पे एक सीधी सीधी सी बात करना चाहता हूँ, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत जी का केस हो, चाहे वो तनीषा शर्मा जी का केस हो, चाहे आपको याद होगा एक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में एक एक्ट्रेस थी, मेरे को बैनर्जी बैनर्जी नाम था उनका, तब मैं मुंबई में ही था जब वो केस हुआ, उन्होंने भी सुसाइड किया था, उनके भी बॉयफ्रेंड को मतलब उठाया उठाया था सर पुलिस वालों ने। तो मतलब ऐसा करके कुछ सीन था, प्रत्यूषा बनर्जी, राइट, प्रत्यूषा बनर्जी, उनका भी सीन हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, सलमान खान जी के घनिष्ठ मित्र थे, उनके साथ भी ये हुआ है। तो यार मतलब अच्छे अच्छे लेवल वाले लोगों के साथ ये हो रहा है। तो मैं ये एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार का स्ट्रेस है, इसमें ना तो कोई बॉलीवुड का लेना देना है ना कुछ और। देखो जब आपको सक्सेस मिलता है ना, चाहे वो कम उम्र में मिले चाहे वो ज़्यादा उम्र में मिले, वो आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों को मिला के मिलेगा। लेकिन सक्सेस के दौरान अगर आप लोगों ने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ थे, तब ये चीज़ होती है। और अगर आपका दोस्त इस इंडस्ट्री में है, आपका दोस्त चाहे यूट्यूब कर रहा है, उस पर भी स्ट्रेस होगा, क्योंकि 10,000 तरह के लोग ये बोलने वाले होते हैं। मुझे भी बोलते थे ये, बोल आज भी बोल देते हैं क्या वीडियो बनाता रहता है यूट्यूब पे। ऐसे बोलने वाले लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत सी थॉट्स आते हैं दिमाग में, मेरे भी आए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको इस इंडस्ट्री में एज अ सिंगर राइटर एक्टर जो भी काम मिले, अपने बेस इतने स्ट्रांग रखो और अपने उन दोस्तों को कभी मत छोड़ना जो तुम्हारी उस इंडस्ट्री से नहीं है। उनसे मिलो, जैसे मर्जी टाइम निकाल के मिलो, चाहे दिन में आधा घंटा निकाल के मिलो, लेकिन मिलो। फैमिलीज को पर्सनल सपोर्ट में आना पड़ता है इन लोगों की, और प्लीज रहिए फैमिलीज, अपने बच्चों की फैमिली सपोर्ट में रहो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब से ये रीमेक रीमिक्स का ट्रेंड आया, काम वैसे ही कम हो गया। कुछ सिलेक्टेड लोग हैं बस, वो जी करे जा रहे करे जा रहे, किसी ना किसी को धक्के से काम मिल गया मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम के लिए जाना बंद कर दो, जाओ, क्या पता यार तुम्हारी किस्मत मुझसे अच्छी हो, तुम्हें पहले दिन जाके काम मिल जाए। और अगर पहले दिन मिल काम मिलने वाली बात पे तुम्हें एक स्टोरी सुननी है ना, तो लिसन टू द स्टोरी ऑफ मोहित मलिक। तुम्हें मैं बता देता हूँ मोहित मलिक भाई कौन है, आप लोगों ने सुना भी होगा नाम। मोहित मलिक जी की स्टोरी अगर आप सुनोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाउ दिस कम्स टू एन एक्टर, एक्चुअली एक्टर के ऊपर एक कैसे आती है। ये देखो ये एक्टर है मोहित मलिक, आप लोगों ने इनको देखा होगा टेलीविजन वगैरह में। अरे यार हाँ ये एक्टर है, मैं कोई और इमेज खोल लेता हूँ,
ये देखो यहाँ पे सारी मैं वो खबरें ही देख रहा था कि क्या क्या चल रहा है। ये देखो मतलब कुछ भी शर्म आती मुझे सोच सोच के कि ये लोग क्या करते रहते हैं। आप लोग सर्च कर लेना यार गूगल पे। तो गाइस बात सिर्फ इतनी सी है कि हम ना एक्टर्स को ब्लेम कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम जिद्दी हो, तुम्हारे इस करियर में कुछ नहीं रखा। यार उस पे प्रेशर बिल्ड मत करो। यहाँ पे तो चलो पर्सनल लाइफ का प्रेशर था तुनिशा के केस में या कुछ भी था, वो अब उसी के साथ है। एक्चुअल में वो बात उसी के साथ है। अगर कुछ जो भी चीज़ होगी वो सामने आएगी, वो पुलिस बताएगी, कोर्ट बताएगा, वो हमें नहीं पता। हमें यहाँ पे किसी को पर्टिकुलरली बाइकआउट करना या उससे बात ना करना लॉजिक नहीं बनता, या उसकी फिल्म ना देखना कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन बात पता क्या है, हर बंदा अपने घर वालों को छोड़ के वहाँ पे 12 12 घंटे की शिफ्टें लगाता है। उसके बाद वो 12 घंटे की शिफ्टें लगाने के बाद 2 से 3 घंटे जिम में बिताता है, 15 घंटे काम, उसके बाद रही सही कसर अपना काम प्रिपेयर करने में। वो जो 12 घंटे आपको काम करना है, उस काम के दौरान आपको बोलने होते हैं लंबे लंबे डायलॉग्स। कई लोगों को तो इंस्टेंटली याद हो जाते हैं, कई लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट के बिना काम करते हैं, कई लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाकी के टाइम में जो 9 घंटे बचे हैं उनके दिन के अंदर, 15 में से 24 में से, उसके अंदर वो 2 से 3 घंटे कम से कम वो स्क्रिप्ट को याद करते हैं ताकि वो 12 घंटे उनके अच्छे जाएं। तो मतलब इट इज़ नॉट दैट ईजी। वो बंदा तुम्हें आके 2 घंटे में एंटरटेन करके चला जाता है, उसके पीछे 45 दिनों की मेहनत, कम से कम 200 बंदे का हाथ हर तरीके से जुड़ा है। वहां पे स्पॉट बॉय भी उतना ही डिफिकल्टीज में है जितना एक बड़ा स्टार। हम बाइकॉट कर देते हैं, बैठे बैठे हम फिल्मों को बाइकॉट कर देंगे। ठीक है, हमें शाहरुख खान की स्टेटमेंट पसंद नहीं आई, हमने बाइकॉट कर दिया। तुम्हें पता है अगर हम एक बाइकॉट करते हैं ना, तुम सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म बाइकॉट नहीं कर रहे, तुम सिर्फ, तुम्हें भी पता है मैं सीधी गाली देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को गाना अच्छा नहीं लगा शाहरुख खान का, तुम जाके देखो उसके नीचे कमेंट्स में है, तू शाहरुख खान के बारे में बोलने वाला कौन। मैं मानता हूँ यार मेरे को नहीं अच्छा लगा तो नहीं लगा यार, ठीक है ना। मेरे को अगर अच्छा लगा, मेरे को एक गाना अच्छा लगा तो मैंने उसकी तारीफ भी करी है, दूसरे गाने की चेक कर लो तुम लोग। पहले मैंने तारीफ करी थी, उसके बाद नहीं अच्छा लगा तो नहीं बोला। लेकिन बात पता क्या है, गेम यहाँ पे है कि हम आर्टिस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तुम एक फिल्म नहीं देखोगे, वो फिल्म फ्लॉप में काउंट हो जाएगी। तुम्हें पता है जो वहाँ पे 200 बैकलॉग में लोग काम कर रहे हैं, मेरे तुम्हारे जैसे हैं, घरों से आए हुए हैं, सब छोड़ के काम करने आए हुए हैं, और एक फ्लॉप फिल्म का ठप्पा उनके ऊपर लगता है ना, तो अगली फिल्म मिलने में उन्हें 3 गुना मेहनत करनी पड़ती है, और वो प्रेशर बिल्ड करता है। एंड ऑफ द डे ऐसे केसेस सामने आते हैं। ये तो चलो स्टार थी, ये टेलीविजन मेन स्ट्रीम में थी, सुशांत सिंह राजपूत मेन स्ट्रीम एक्टर थे, तो इनके बारे में हमें पता चल गया। कितने लोगों का तो तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे भाई। अंधेरी में एक जगह है फन सिनेमाज करके, उसकी लेन जाके चेक करना कभी। वहां पे यशराज का भी ऑफिस है, वहीं पे उसके सामने बालाजी का भी ऑफिस है। दोनों ऑफिसेज के बाहर उनको नहीं पता कि वहां खड़े होने से कुछ नहीं होगा। कम से कम रोज का 10,000 स्ट्रगलर आता होगा। तुम्हें क्या लग रहा है टेलीविजन में मिला के जितने एक्टर बालाजी के अंडर काम कर रहे हैं, 10,000 एक्टर टोटल नहीं होंगे, और उन 10,000 में से हर रोज के 1,000 से 2,000 लोग या 1,500 लोग वहां पे नए होंगे। तो यार सबको सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है जो चीज़ अच्छी है अच्छा बोलो, जो चीज़ गलत है वो गलत बोलो उसको। यार मैं इसी चीज़ के लिए पिछले 2 महीने से फाइट कर रहा हूँ कि ये दिन किसी आर्टिस्ट को देखना ना पड़े। और जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, एक्टर है, उन्हें सपोर्ट करना तुम्हारा फर्ज है मेरे भाई। पूछो उसे फोन करके कि भाई तू ठीक है, वो नहीं बता पाएगा। वो 18 घंटे 19 घंटे का स्ट्रेस ले लेगा, वो शायद तुमसे बात भी ना कर पाए, 5 मिनट के लिए बात ना कर पाए। भाई तो अपना है यार, बहन तो अपनी है।
इस बात को ईगो पे मत लो कि एक आर्टिस्ट ने तुमसे बात नहीं करी है। उसकी लाइफ में एक ही तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, पर्सनल स्ट्रेस बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं। एंड आई कैन ओनली से रेस्ट इन पीस टू तनुषा शर्मा। मतलब बुरा लगता है यार, ऐसी खबरें आती हैं इंडस्ट्री के बारे में वेयर ऑल सच थिंग्स शुड नॉट हैपन, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जिन जिनको भी, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आई एम सो सॉरी फॉर देयर लॉस। एंड आज कोई कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के लिए नहीं बोलूँगा, जो तुम्हारा मन करे करो। बट मैं थोड़ा सा, मतलब इसी चीज़ से डरते हुए मैं बोलता हूँ ना, तुम्हें पता है मैं हमेशा बोलता हूँ आई वॉन्ट टू वर्क फॉर हिडन आर्टिस्ट। अब मेरी पिछली 2 महीने की वीडियोज़ देख लो, ये चैनल 3 महीने, 3.25 महीने पुराना है, और पिछले 2 महीने में मैंने सिर्फ हिडन आर्टिस्ट के बारे में बात करी है अपने चैनल पर। इस तरह की सपोर्ट भी चाहिए होती है उन्हें, इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटली ड्रेन हो जाते हैं वो आर्टिस्ट। तो अपने दोस्तों, भाई बंधुओं को फ़ोन करके एक बार पूछो, भाई तू ठीक है, तुझे हमारी ज़रूरत तो नहीं है, इतना करके देखना। वो बहुत रिलीव्ड फील करेगा। अगर यही तनुषा ने ये बातें किसी दोस्त के साथ शेयर की होती ना, मैं मानता हूँ हो सकता है पेरेंट्स के साथ एक लिमिटेड लेवल पे हर बंदा शेयर कर देता है, मैं भी कर देता हूँ, कुछ बातें फिर भी ऐसी रह ही जाती हैं कि जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं लोग, अपने दोस्तों को ही बता पाते हैं या अपने पार्टनर्स को ही बता पाते हैं। मैं कुछ भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, मैं प्रीति से डिस्कस करता हूँ, मेरा फ्रेंड है कुशल, मैं उससे डिस्कस करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी बताता हूँ। लेकिन एक पेरेंट्स को हम ना अगर बताएंगे वो परेशान होंगे, ये हमारी सबकी सोच है। और वो इस वजह से परेशान नहीं होंगे कि वो हमारा प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पा रहे, वो इस वजह से परेशान होंगे कि हमारा बच्चा परेशान है। पर अपने दोस्तों के साथ टच में रहो, जो भी आर्टिस्ट है ना, प्लीज़ उन दोस्तों को मत छोड़ना जो तुम्हारी इंडस्ट्री में आने से पहले तुम्हारे दोस्त, मत छोड़ना। चाहे एक दोस्त हो तुम्हारी ज़िंदगी में जिसको तुम बता सकते हो, प्लीज़ बताओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी डिप्रेसिंग सी वीडियो थी, लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि हाँ, आज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, जो मन में बात आए तो मैं बोल सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।